ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ टाइप का कांसेप्ट। एंड गाइस, इस कांसेप्ट में गाइस आप सभी को मैं जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, इस वीडियो में गाइस आप सभी को आपके अपने दो मॉडल की जरूरत पड़ेगी। जब आप इस फोटो को एडिट करोगे तो आपको दो मॉडल की जरूरत पड़ेगी, जो कि गाइस आप पहले से क्लिक करवा लेना। एंड गाइस, उसका बैकग्राउंड रेस करके रख लेना, या फिर अगर चाहो तो आप अपने सेम जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप अपने उसी बैकग्राउंड में एडिट भी कर सकते हो अगर वैसा आप करना चाहो, या फिर अगर आपको यही बैकग्राउंड चाहिए होगा तो गाइस जिसका मैंने सब कुछ बैकग्राउंड बना के तैयार रख रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप इसी वीडियो को देखने जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार आप सभी को कंटेंट मिलते रहते हैं। एंड गाइस, अगर यार आपके यूट्यूब चैनल पर अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे तो गाइस आप लोग इस वाली वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हो। ये वीडियो गाइस मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर अपलोड किया है। एंड गाइस, दूसरे चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप इजीली जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना अगर आप इस बैकग्राउंड में अपने मॉडल को ऐड करना चाहते हो तो, अदरवाइज आप वैसे भी अपने बैकग्राउंड में भी आप एडिट कर सकते हो। बट गाइस, मैं आप सभी को बताता हूँ आपको कैसे एडिट करना है। मैं गाइस इसमें दोनों फोटो को ले लूँगा गाइस, ठीक है, जो रोमोड वाले जो हिम्मत भाई की फोटो मैं उन दोनों को ऐड कर लूँगा इजीली, ठीक है। तो इस टाइप से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इसको एंड ओपोसिटी कम करके देखता हूँ यहाँ पे मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद गाइस, अगर आप इसमें अपना मॉडल लगाते हो तो गाइस आपको पीछे से जो आपको टीवी दिख रही है जो पीछे टू टीवी उसके ऊपर आपको वहाँ से इरेज कर लेना है, ठीक है। आप जैसे मर्जी चाहो वैसे कर सकते हो। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें इस मॉडल को लगा लिया, अब हम यहाँ पे लगाते हैं दूसरे मॉडल को अपने, ठीक है। जहाँ से मैड फोटो में चलेंगे सो यहाँ पे अभी हमें कुछ इरेज करना नहीं है, तो गाइस यहाँ से भी हम डन रखते हैं, ठीक है। तो अभी हमें चलते हैं ऐड फोटो में, ठीक है, अभी हमें दूसरे मॉडल को भी लेना है, तो ऐसे मैं ऐड फोटो में चलते हैं एंड ऐसे गाइस हम इस दूसरे वाले मॉडल को ले लेते हैं। एंड गाइस, जो दूसरा मॉडल होगा गाइस आपको आप जैसे मर्जी चाहो वैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप मतलब कि दूसरे मॉडल का जो पोज होगा आप वो भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में गाइस, ठीक है। आप सेम करना चाहो तो सेम भी कर सकते हो, और अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो अपने खुद से तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैं आप सभी को दो मॉडल जो मैंने रो मोड वाले हैं इनको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो यहाँ पे हम इसको अब थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी वीडियो को मैं फास्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ पे हम फास्ट कर लेते हैं थोड़ी वीडियो। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने इतने रेस कर लिया है, बट गाइस अभी देखो ऊपर का जो एरिया है हमारा गाइस वो भी हमें पूरा फिल करना, तो उसके लिए हम जाएंगे टूल्स में फिर एक क्लोन वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे भी गाइस इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड साइज को यहाँ पे रख लेंगे। एंड यहाँ पे गाइस हम इसको भी थोड़ा फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो गाइस, ठीक है। और गाइस अगर आपको क्लोन टूल के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो गाइस आप कमेंट कर देना, मैं क्लोन टूल के ऊपर वीडियो बना दूंगा। मैं अपने आपको काफ़ी वीडियो में बोला बट यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बट गाइस चलो कोई बात नहीं, आपका चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना। बाकी आप सभी को जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको जाना है इस वाले कलर में, सही जो आपको दो कलर दिख रहे हैं यहाँ पे आप इसमें जाना है। एंड यहाँ पे गाइस आपको अपनी टी शर्ट के ऊपर यहाँ पे ऐसे कुछ रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको जोन सा कलर रखना हो, यानी कि आप जो सी टीम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो आप हम येलो कलर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट टूल में चलते हैं एंड रिजल्ट टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करते हैं, ब्रश का साइज को अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है उसके बाद हम यहाँ पे इसको फटाफट से इसको भी यहाँ पे पेंट कर लेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसको हम फटाफट करते हैं। ओके गाइस, सो हमने इतना यहाँ पे कर लिया, तो अब गाइस इसको हम यहाँ पे डन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आगे क्या करना, आप सभी को जाना है गाइस दोबारा ऐड फोटो में। सो ऐसे मैं ऐड फोटो में चलते हैं, ऐसे गाइस आपको एक विग्नेट का पीएनजी विग्नेट नहीं गाइस आपको ये दोनों पीएनजी जो इनके लोगो हैं जो इनके टीम के, तो हम इसको ले लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस हमें जो है एक चेन्नई सुपर किंग के इसके हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे रखते हैं, ठीक है। एंड टी शर्ट के ऊपर कुछ स्टेप्स इतना साइज रखना हमें, तो उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं, इसको मल्टीप्लाई रख लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको यहाँ पे फटाफट से इरेज कर लेते हैं। ओके सो गाइस, इतना हमने कर लिया, अब क्या करेंगे गाइस अब हम इसका डुप्लीकेट करेंगे एक, एंड उसके बाद हम इसे रिजल्ट में जाकर उसको पूरा फील कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि अभी हमें ऊपर की तरफ लगाना अपने शोल्डर के ऊपर, तो हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे शोल्डर पास ले जाते हैं एंड कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो दूसरे वाला गाइस ये मुंबई इंडियंस का, अब इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अपनी टी शर्ट के पास कुछ स्टेप्स रख लेते हैं एंड इसका भी एक डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम शोल्डर के पास रख लेंगे कुछ स्टेप्स से। एंड उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है, अब जाते हैं जहाँ से रिजल्ट में एंड इसको जो नीचे के एरिया इसको हम यहाँ से फटाफट से रेस कर लेते हैं। सो हमें परफेक्ट है गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डन करते हैं, अब गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में, यहाँ से गाइस आपको विग्नेट का पीएनजी ऐड करना है,
ठीक है, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। एंड कुछ स्टेप्स विग्नेट का पीएनजी को हम फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे रख लेंगे। एंड आप ओपेसिटी वगैरह आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड यहाँ पे हम डन कर देते हैं। आप उस गाइस इस फोटो को यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। एंड इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप ले जाने के बाद गाइस आपको जाने से लाइट वाले ऑप्शन में इसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा गाइस आपको थोड़ा इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गाइस हाईलाइट होगा आपको गाइस इसको थोड़ा कम कर देना है। एंड जो गाइस शेडो होगा आपको उसको थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो व्हाइट होगा इसको आपको थोड़ा सा इनको इसको भी माइनस कर लेना है। एंड जो ब्लैक होगा इसको थोड़ा सा कम कर देना है। देन जहाँ आपको कलर्स वाला ऑप्शन है वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर चाहो तो कम कर सकते हो। फिर जाना आपको कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ल्यूमिनस थोड़ा बढ़ा देना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन गाइस आपको जाना है येलो कलर में। आप अपनी टी शर्ट का कलर चाहो तो आप ह्यू का चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर मैनेज कर सकते हो। देन गाइस आपको चले जाना है डार्क ब्लू में। सो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका सैचुरेशन माइनस कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही डार्क हो गई हमारी टी शर्ट। तो आप उसका जाते हैं नीचे वाले टूल में, फोटो में जो क्लियरिटी की गाइस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा हल्का सा डाल देना है। देन गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके बाद चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो जो शार्पनेस है गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड नीचे मिलेगा आपको नॉइज रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड मिलेगा कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी सामने। तो गाइस ऐसा करता है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।